खवातीन कहीं भी हों, किसी भी इदारे में जॉब कर रही हों या घरेलू खवातीन भी हों, जहाँ पे भी होती हैं वो अपने रंग बिखेर देती हैं। हम लोग किस लिए हैं फीमेल्स इंस्पेक्टर? लड़कियों की इज्जत के लिए। मैं बीइंग अ वूमन भी हर चीज़ टैकल कर सकती हूँ। मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि हम पंजाब पुलिस में। ये पता है कि हम लोग एक पुलिस ऑफिसर हैं और हमें ये करना है और ये हमारा काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना। पेरेंट्स ने अगर लेडीज़ लड़कियों पर इन्वेस्टमेंट किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, तो लेडीज़ को चाहिए कि वो बाहर आएँ और फील्ड्स में काम करें। औरतें वो भी अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, फ्रेंड्स सब सर्कल में, सोशल सर्कल में मर्दों के शाना बशाना सब काम करती हैं। अगर मैं काम कर रही हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। हर लड़की को इसको सीखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शिमशा अवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। नाज़रीन, आज जैसा कि आप सब जानते हैं विमेन डे है। ख़वातीन कहीं भी हों, किसी भी इदारे में जॉब कर रही हों या घरेलू ख़वातीन भी हों, जहां पे भी होती हैं वो अपने रंग बिखेर देती हैं और खूबसूरती की जो है वो एक इलामत होती हैं। तो इसी तरह हमारी पंजाब पुलिस की ख़वातीन भी हैं जो कि जिनके ऊपर एक बड़ी टफ़ एक जॉब है उनकी और बड़ी जिम्मेदारी वाली जॉब है। वो घर भी संभाल रही हैं, वो अपने जो है ड्यूटी को भी देख रही हैं और बड़ी टफ़ ड्यूटी देख रही है कि कभी भी किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, 24/7 उनकी जॉब है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह मैनेज करती हैं इस जॉब को और वो अपना फ़र्ज कैसे निभा रही हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये मुझे बताएं कि आपने पंजाब पुलिस को क्यों ज्वाइन किया? पंजाब पुलिस एक बहुत अच्छा इदारा है जो लोगों को प्रोटेक्ट करता है। लोगों को इस पंजाब पुलिस के इदारे को अपना समझना चाहिए ताकि सब हर कोई इसको सपोर्ट भी करे और ये भी बढ़ चढ़ कर लोगों की हेल्प करे और ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अच्छा, ऐसे कहा जाता है ना फ्रियाल की लड़कियों के लिए ये अच्छा नहीं है, 24/7 जॉब है, फिर शादी हो जाएगी तो फिर और ही मुश्किल हो जाएगा बच्चों के बाद, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा प्रोफेशन नहीं है फीमेल्स के लिए। जो है मैं समझती हूँ कि ये सबसे क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव इदारा है वो पुलिस है, कि यहाँ पे आपकी जो है वो इज्जत की जो है वो बहुत हिफाजत की जाती है। हम लोग किस लिए हैं फीमेल्स इंस्पेक्टर? लड़कियों की इज्जत के लिए। बिल्कुल, हम लोग भर्ती होते हैं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये इदारा जो है वो औरतों के लिए सेफ होगी? कभी मुश्किल पेश नहीं है आपको इस जॉब के साथ? घर भी आप संभालती हैं और साथ में ये जॉब भी करती है, इतनी टफ जॉब है, 24/7 आपको काम करना पड़ता है, कभी भी कॉल आ सकती है, तो कभी कोई मुश्किल पेश नहीं है घर वालों ने कहा छोड़ो इस जॉब को, क्या कर रहे हैं आप लोग? घर वाले जो हैं वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ पे। तो जब आपने ज्वाइन किया किसने सपोर्ट किया घर में? आप? मेरी मदर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, हुमैरा मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी कोई ख्वाहिश है, मतलब आप कहती हैं कि कोई मसला या कोई ऐसी चीज़ कि अगर आप लड़की ना होती, लड़का होती तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप मैनेज कर लेती, या ये मसला था जो लड़के होते हुए मुझे है? खैर, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं बीइंग अ वूमन भी हर चीज़ टैकल कर सकती हूँ। अच्छा, एक पुलिस ऑफिसर में इतना तो होना चाहिए कि वो हर काम कर सके। ये तो है, कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये फील किया कि अगर मैं लड़का होती तो थोड़ा ज़्यादा मुझे एज मिल जाता? नहीं, ऐसी कोई भी मुश्किल मुझे पेश नहीं। तो आने जाने में क्या होता है कि किस तरह आप आती जाती हैं जॉब में, ये भी बड़ा मसला होता है, कौन छोड़ने जाएगा, अब्बू जाएंगे, भाई जाएगा, उठाना सुबह सुबह? इनिशियल डेज में तो मेरे फादर मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, फैमिली करते हैं। अच्छा, तो लॉकडाउन के दौरान भी, मगर मैं खुद भी ड्राइव कर लेती हूँ बाइक, तो मुझे ऐसा। अच्छा, मतलब आप खुद अब बाइक चलाती हैं और खुद ही आती हैं? वैसे बहुत आसान बात है कि कभी भी बुलाया जाए, जब भी इनको बुलाया जाएगा आराम से बाइक निकालेंगे अपनी और ड्यूटी पर आ जाएंगे। नगमा, मुझे आप ये बताएं कि खवातीन की नुमाइंदगी कितनी ज़रूरी होती है किसी भी डिपार्टमेंट में, खवातीन का होना कितना ज़रूरी है पंजाब पुलिस में, इस हवाले से बताएं मुझे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़वातीन का होना और मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि हम पंजाब पुलिस में। वो इसलिए भी ज़रूरी हो सकता है नगमा क्योंकि आप पंजाब पुलिस का हिस्सा हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होंगी जिनको कोई मसला या कोई परेशानी हो और फिर आप फ़ौरन से जाकर उनकी हेल्प करती होंगी, फ़ौरन से, ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों की, अगर कोई भी एमरजेंसी ड्यूटी आ जाए या ऐसा कोई मसला आ जाए तो हम हर वक्त तैयार हैं। अगर आपको कॉल आती है कि आप इस वक्त ऑफिस में रहें और ऑफिस में आपको आना ही आना है, इस रेट पर जाना है और आप पहुँचे फ़ौरन, तो कभी फैमिली ने मना नहीं किया कि आप क्यों जा रही हैं? नहीं, कभी फैमिली ने ऐसा कोई बात नहीं की कि क्यों जा रहे हैं, लेकिन वो हमें सपोर्ट करते हैं कि ड्यूटी है तो ड्यूटी में जब भी कोई बुलाएगा जाना पड़ेगा, जब भी कॉल आए हम। एज अ लेडी कॉन्स्टेबल जो है बहुत, जहाँ पे आपके ऊपर बड़ी वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा आपकी अथॉरिटी है, वहाँ पे आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं कि आपने क्राउड को मैनेज करना है, आपने कंट्रोल करना है, आपने क्रिमिनल्स को पकड़ना है, उन्हें जुर्म करने से रोकना है, इन सब चीज़ों को कभी लेके आपके ऊपर प्रेशर नहीं बिल्ड होता कि आप डर जाएं? कभी खौफ नहीं आया कि अपनी जॉब
आपसे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हमारे साथ हुआ, क्योंकि हमें ये पता है कि हम लोग एक पुलिस ऑफिसर हैं और हमें ये करना है और ये हमारा काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना, और अगर क्रिमिनल है तो उनको भी ये हमारा फ़र्ज़ है कि एक क्राइम को रोकना और उनका उनका सामना करना। इरम, ख़वातीन का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, दूसरी ख़वातीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी इस दिन के हवाले से? एज अ लेडी ऑफिसर, जैसे मैं चाहती हूँ कि जैसे हम बाइक घरों से निकली हैं और लेडीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, अगर कोई थानों में या आ रही हैं तो हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स ने अगर लेडीज़ लड़कियों पर इन्वेस्टमेंट की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, तो लेडीज़ को चाहिए कि वो बाहर आएँ और फील्ड्स में काम करें और अपने घर वालों के लिए अपने घर वालों को सपोर्ट करें और खुद डिपेंडेंट भी हों। सर जीनत, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जो लड़कियाँ आपको देख रही हैं वुमेन डे के हवाले से, उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मेरा उनके लिए ये पैगाम है कि आजकल लोगों में ये बात बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि लड़कियाँ हैं जो वो जब पैदा होती हैं तो कहते हैं कि ये हमारे लिए बोझ बन गई हैं, लेकिन ये बोझ नहीं है, इनको भी खुद मुख्तार होना चाहिए, काम करना चाहिए, मर्दों के शाना बिशाना ये काम कर सकती हैं। तो इसलिए मेरा ये पैगाम है कि वो मर्दों के शाना बिशाना आएँ और अपना काम करें, ताकि किसी को भी ये महसूस ना हो सके कि ये औरतें मर्दों के बराबर काम नहीं कर सकती। इस वक्त हम पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के IC3 डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जहां पर मौजूद पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं ख्वातीन के आलमी दिन के हवाले से वो क्या कहती हैं। निदा, ख्वातीन के आलमी दिन के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगी बाकी ख्वातीन को? ये पहले का कॉन्सेप्ट था कि आदमी और औरतें डिफरेंट हैं, लेकिन अब यही है कि हर कोई आदमी जो औरतें वो भी अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, फ्रेंड्स सब सर्कल में, सोशल सर्कल में मर्दों के शाना बशाना सब काम करती हैं। तो आजकल कोई फ़र्क ऐसा नहीं रह गया है कि आदमी और औरत में। तो मैं भी ये कहना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ अभी भी बैकवर्ड एरियाज़ में हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए कि जिस तरह से हम लोग काम करें, इस तरह से हर एक को मौका फ्राहम किया जाए काम करने का, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का, अपने शौक पूरे करने का। निदा, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? साहिवाल। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट से आप लाहौर में आके काम कर रही हैं, कभी आपको डर नहीं लगा कि एक खातून होने के नाते आप यहाँ पर पुलिस में जॉब कर रही हैं, फैमिलीज़ वाले क्या कहेंगे? स्टार्ट में होता था, स्टार्ट में फैमिलीज़ भी थोड़ा सा करती थी, लेकिन उनको भी अब पता चल गया है कि नहीं, इट्स सेफ, इधर यहाँ पे काम करना सेफ है और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, स्टार्ट से कर रही है, अभी भी कर रही है। शाइस्ता, क्या कहना चाहेंगी? ख़वातीन का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, लोग आपको देखते हैं और लोग बहुत से आपको देख के इंस्पायर भी होती हैं लड़कियाँ, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है और ये होनी चाहिए, ये एक आपकी सोच है, अगर आप उसे बदल लो तो आप सब कुछ बदल सकते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो। और ये आई थिंक सो जैसे वेस्ट में हो रहा है कि लड़की लड़का दोनों काम करते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं और उनकी सोसाइटी में तरक्की होती है, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ हों या फिर मैं एक बेटी हूँ, अगर मैं एक बहन हूँ, अगर मैं काम कर रही हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है, हर लड़की को इसको सीखना चाहिए। ये घर के काम होते रहते हैं, घर के कामों में भी करना चाहिए। अच्छा शाइस्ता, आप भी घर के काम भी करती हैं, बेटा भी है आपका, जी भी बात है, आप इन लॉज में रहती हैं, कितना मुश्किल हो जाता है घर के काम भी मैनेज करना, फिर कैरियर ओरिएंटेड भी हैं, कैरियर को भी साथ लेके चलती हैं, और भी कहीं ना कहीं इंसान का अपना भी कोई शौक होता है, ये शौक मर जाते हैं? नहीं, सब शौक साथ रहते हैं। अच्छा, और मुझे इसलिए डिफिकल्टी लगता है क्योंकि मेरी मदर इन लॉ खुद भी हैं वर्किंग वूमेन, वो भी, अच्छा, और मैं भी हूँ, वो मुझे सपोर्ट करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं होती ना ट्रेडिशनल फैमिली में जाती, जैसे कि औरतें काम नहीं करती, तो शायद मुझे फेस करनी पड़ती प्रॉब्लम, लेकिन मेरी मदर इन लॉ काम करती थी, जॉब करती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी फैमिली सपोर्ट मतलब एक सोच जो है ना, वो बड़े मौसम को बदल सकती है। सोच बदल जाए ना तो आप सब कुछ बदल सकते हो। इमरा, क्या पैगाम देना चाहेंगी जो औरतें आपको देख रही हैं वुमेन डे के हवाले से, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो वेरी हैप्पी वुमेन्स डे, और इसके बाद खवातीन को एक्सेल करना चाहिए, अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहिए, ना सिर्फ अपनी सोसाइटी में बल्कि अपने करियर को भी लेकर चलना चाहिए। देखिए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुश्किल तो आती हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी नाइट ड्यूटी टफ होती है, लेकिन काम तो फिर काम है, वो तो करना होता है, लेकिन यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे दिन और रात का पता नहीं चलता। थैंक यू सो मच निमरा, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, जैसा कि निमरा ने भी कहा कि ख़वातीन जो है उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, और अगर ख़वातीन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ तो हर इदारे में और ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में हम देखेंगे उनका नुमाया किरदार नज़र आएगा, और जिस तरह परफॉर्म करें उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगी। इसके साथ ही साथ आपने क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना है,
हैं और सेफ रहें सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।